you'll say? Keep treehouse. Yes, you are also in treehouse. सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ स्वस्थ और मस्त, और अब मैं निकल रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए। इम्पॉर्टेंट काम यह है कि आज मेरा मेरे बच्चों से मिलने का आखिरी दिन है, आज है उनका ग्रेजुएशन डे। तो अब हम जा रहे हैं, मेरे सारे बच्चे आएंगे। उस समय तो मैंने सर्टिफिकेशन इसलिए जल्दी में दे दिया क्योंकि कुछ पेरेंट्स को एडमिशन्स लेने थे, कहीं वेकेशन में जाना था, कुछ करना था, तो मैंने कहा चलो पहले आप सर्टिफिकेट ले लो। तो अब सब पेरेंट्स यहाँ पे हैं, एक दो बच्चों को छोड़ के। तो अब उनका ग्रेजुएशन डे आज हम करेंगे, उनको टोपियाँ पहनाएंगे और वॉट नॉट। एनी वे, वेलकम बैक टू लकी मी 24। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पर स्वस्थ और मस्त हूँ। तो अब हम आ गए हैं मेरी फ्रेंड के स्कूल में, जहाँ पे हम अपना करेंगे ग्रेजुएशन डे। मेरे ख्याल से यहीं से उसकी एंट्री होना चाहिए। हाँ, और स्कूल शायद फर्स्ट फ्लोर में है। He is making tattoo and he wants sparkle. Wow. Sparkle star he wants. Adi, Adi ke muh mein dekho, laddu hai kya ki golgappe hai? Adi muh khol, open your mouth. Open your mouth. आदि का बन गया एक स्पार्कल स्टार और स्माइली। और आदि की स्माइली का है याद है? मेरा भी ले ले, मैं भी ऐसे कर लूं, ऐसे वीडियो ले। Thank you.
वेकेशन डे खत्म हुआ और अब मैं चल रही हूँ घर पे। मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा है। अच्छे बोलो तो बहुत इमोशनल मोमेंट था बच्चों को सी ऑफ करना। और 2 साल तक हम लोग ऑफलाइन थे तो आज जब बच्चों सॉरी ऑनलाइन थे आज जब बच्चों से मिली हूँ तो इतने से बच्चे भी इतने बड़े हो गए। तो देखो मतलब बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मुझे और थोड़ी देर रुकना था पर क्या है कि घर पर पेस्ट कंट्रोल आया हुआ है तो अभी मैं पेस्ट कंट्रोल का काम खत्म करती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। तो हम लोग टाइम से घर पे आ गए और अभी घर पे है पेस्ट कंट्रोल चालू, इसीलिए मुझे स्कूल से थोड़ा भागना पड़ा। और सर आ गए हैं पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल, तो अभी पूरा जेल लगा रहे हैं कॉकरोचेस के लिए। वैसे तो यहाँ कॉकरोच है नहीं लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए हम लोग हर साल पेस्ट कंट्रोल कर ही ले। दवाई की तो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, काफ़ी अच्छा पेस्ट कंट्रोल किया है इस बार तो ये एक अच्छा है। और ये देखिएगा कि फूल कितने मस्त आ रहे हैं, कटिंग की है। और ये लाई हूँ मैं नया एक देसी गुलाब, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी थी। पानी अभी प्लांट्स में डाला नहीं है तो मैं डालूँगी। तो वो देखो पेस्ट कंट्रोल होने के बाद में एज़ यूजुअल थोड़ा देर बाहर ही रहना पड़ेगा। लक्की के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है जब हम पेस्ट करते हैं क्योंकि उसको कहाँ रखें कैसे बैठाएं समझ नहीं, क्या चाट ले पता नहीं। तो थोड़ी देर रख के फिर मैं झाड़ू पोता करूँगी और झाड़ू पोता करने के बाद मैं लक्की को फिर रिलैक्स होके बैठा सकते हैं। लक्की का टेंशन इसलिए हम भी आ गए बाहर और सर लगे हुए अपने काम पे।